Butterfly letters. ये लो खाओ। अरे वाह, ये टेस्टी लग रहे हैं। क्या ये तुम हमारे लिए लाई हो शिजुका? हाँ। मैं खाना शुरू कर रहा हूँ और मैं भी। बहुत टेस्टी है। हाँ बहुत। मजा आ गया। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मैं तुम्हें ये खरीद कर वापस दे दूंगा। ये कहाँ मिलते हैं शिजुका? शिजुका सुनो तो। तुमने सारा मजाक किरकिरा कर दिया। ये कितने अच्छे बने थे, पता है वो कितना खुश थी? क्या कहा, ये सारे शिजुका ने बनाए थे। बुद्धू कहीं का। क्या तुमने कल रात टीवी पर 9 बजे का शो देखा था? आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी। हाँ? शिजुका जरा सुनो। चलो साथ में घर चलते हैं शिजुका, ठीक है? हाँ चलो। घर पहुंचकर मैं फोन करके माफी मांग लूंगा। हेलो मीना मोटा रेजिडेंस। ओ अच्छा नोबिता, रुको मैं बुलाती हूँ। शिजुका बेटा। हेलो नोबिता। अरे शिजुका, मैं दरअसल। नहीं मैं आंटी बोल रही हूँ बेटा, शिजुका कहीं गई हुई है। हाँ? हेलो नोबिता। शिजुका मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन ऐसा तो पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब क्या हुआ? जो कुकीज शिजुका ने बनाए थे वो मेरे हाथ से टूट गए। से तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो मेरे लिए माफ़ी मांग ले। मैं कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप जाओ और उससे माफ़ी मांग लो, ठीक है? वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, मुझे पता है। मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नोबिता। नहीं तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मुझे गैजेट देना होगा। दो बटरफ्लाई लेटर्स। क्या कहा तुमने, बटरफ्लाई लेटर्स? बिल्कुल सही, अगर तुम उससे माफ़ी ना मांग पाओ या फोन पर भी ना मांग पाओ तो ये लेटर्स तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल नहीं, इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। ये लेटर शिजुका के घर तक पहुंचने में 2-3 दिन लगा देंगे। चिंता मत करो, ये लेटर लिख कर देखो, ये वहाँ अपने आप पहुंच जाएगा। चाहे पढ़ने वाला कोई भी हो, ये लेटर अपने आप उस तक आसानी से पहुंच जाएगा। क्या सच में? तुम एक बार ट्राई करके देख लो नोबिता। ये लो काम हो गया। अब आगे क्या करना है? अब इसे बीच में से फोल्ड करना है और खिड़की के बाहर छोड़ना है। ये। अरे ये नोट कैसा? हमारे कमरे में स्नैक्स ले आइए। कितना प्यारा है। ये लो तुम दोनों के लिए नाश्ता। पहले मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ नाश्ता लेकर आने वाली थी, फिर तुमने नोट लिखा था ना, उसकी वजह से मैं आइसक्रीम भी ले आई। थैंक यू मॉम। देखा बटरफ्लाई लेटर्स का कमाल। मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिजुका पर भी काम करेगा। आखिर तुम्हें किस बात की परेशानी सता रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है डोरेमोन कि मैं क्या लिखूं। इसे ज्यादा मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, और काम बन जाएगा। हाँ तुमने सही कहा डोरेमोन। ओके शिजुका, जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ नोबिता। तो काम हो गया, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, जाओ। क्या ये वहाँ पहुँच पाएगा? देखते जाओ, अब तुम्हें इंतजार करना है। मुझे चिंता हो रही है, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं नोबिता रुक जाओ। वो रहा। क्या तुम वो दोबारा से बनाने जा रही हो?
अब जब कुकीज बनाना मैंने सीख लिया है तो मेरा दोबारा बनाने का मन है। कुकीज फिर से बनाऊं तो तुम लोग खाओगे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं यहाँ इंतजार करूँगा। और मैं भी। तुमने मुझे मारा? शिज़ुका, मैं नहीं जानता कैसे हो गया। तुम गंदे हो, मुझे तुमसे नफरत है। शिज़ुका, ये सब क्या हो गया? हे, तुमने उसके साथ ये क्या किया? तुमने देखा नहीं, इसने उसे थप्पड़ मारा। तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अचानक इसे क्या हो गया? उस बटरफ्लाई जैसी दिखने वाली चीज पर कुछ लिखा हुआ था। जहाँ तक मुझे लगता है जियान, वो बटरफ्लाई नहीं बल्कि एक लेटर था। क्या कहा तुमने, लेटर? उसने कहा कि वो मुझे नफरत करती है, सब कुछ खत्म हो गया। देखो नोबिता, रोने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? तुम उसे जानबूझकर मारना नहीं चाहते थे, ये हो गया। तुम उसे माफ़ी मांग लो, वो समझ जाएगी। शिज़ुका अब तक घर पहुंच गई होगी, तो जियान और सुनियो रास्ते में नहीं आएंगे, यही सही वक्त है। क्या तुम्हें लगता है शिज़ुका मुझे माफ़ कर देगी? सुनो, जब तक वो माफ़ ना कर दे तुम्हें लेटर लिखते रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो समझ जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अब लिखो और उसे बताओ कि तुम उससे माफ़ी मांगना चाहते हो। जो मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे तो वो लेटर डोरेमोन का एक गैजेट लगता है। अगर हम यही रहे तो ऐसे लेटर्स और भी आएंगे। जरा बताओ तो उसमें क्या लिखा था? हाँ, बताता हूँ। प्लीज शिज़ुका, मुझे माफ कर दो, शायद ऐसा ही कुछ लिखा था। हाँ शायद। तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल हम यहाँ तुम्हारे कुकीज के बनने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तुम लोग अंदर आकर इंतजार क्यों नहीं कर लेते? हाँ जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो तुम इस तरह कुकीज बनाती हो? सुनियो, वो देखो। क्या बात है? बात सुनो शिज़ुका, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ। ओ। हाँ। शिज़ुका, उस बर्ड को देखो। कहाँ? उस पेड़ के ऊपर। मुझे तो नहीं दिख रहा। माफ करना, वो बादल था। तुम बिना? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा। क्या शिज़ुका, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारे पास एक नेट और एक बॉक्स होगा? मैंने पिछले साल वो खरीदा था, शायद वो शेड में होगा। क्या वो तुम हमें थोड़ी देर के लिए दिखा सकती हो? जब तक कुकीज नहीं बन जाते हम बाहर जाकर इंसेक्ट्स पकड़ेंगे। हाँ, हाँ। चलो जी यार। ये तो बहुत बुरी बात है, मैंने लिखा था कि वो मुझे फोन करे पर उसने किया ही नहीं। कोई बात नहीं, इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या इंतजार? मैं एक और लेटर लिखता हूँ। देखो नोबिता ने लिखा है, प्लीज शिज़ुका मुझसे नाराज मत हो, मुझे माफ कर दो। मैं बेवकूफ हूँ, वो अपने आप को अच्छी तरह से जानता है। ये लो, एक और आ गया। चाहे वो कितने भी लेटर्स भेज ले, कुछ नहीं होगा। वो फोन नहीं कर रही, क्या बात है? मेरे हिसाब से उसका फोन अभी तक आ जाना चाहिए था। ये तो बहुत हो गया, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने उसे इतने सारे लेटर लिखे, कम से कम एक फोन तो कर देती। अब बस, मैं बहुत माफी मांग चुका। तुम किस तरह के इंसेक्ट्स पकड़ रहे हो? अरे शिज़ुका, कुछ खास नहीं। शिज़ुका, हमें काफी देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। मैं शिज़ुका के फोन का इंतजार कर रहा था पर ये तो। अब ये क्या करने आया है? शिज़ुका, तुमने ऐसा क्यों किया? आज तो नोबिता की शक्ल सचमुच देखने लायक थी। जियान, तुम दुकान छोड़कर कहाँ घूम रहे थे बताओ मुझे? मॉम, चलो मेरे साथ आओ। आ,
नोबिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नोबिता इस तरह से रोना बंद करो, चिंता मत करो, कल हम दोनों जाकर उससे माफी मांग लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोबिता